अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं जनाब तमाम भाई दोस्त, कैसे हैं तमाम भाइयों के बर्ड्स, तमाम दोस्तों भाइयों को लाहौर बर्ड्स लवर हेल्प में खुश आमदीद कहता हूँ। आज आपके लिए एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा, मैं दाना साफ़ कर रहा था तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा दाना साफ़ करने का तरीका क्या है। और सर बहुत से लोग तरीके इस्तेमाल करते हैं, मैं जो तरीका इस्तेमाल करता हूँ मेरे पास ये है इलेक्ट्रिक मशीन, ठीक है, ये चल रही है, ये मशीन है मेरे पास ब्रो, ठीक है। और इसका मेन काम जो है वो आपको बताता हूँ। ये देखें, ये ऊपर वो होती है कुप्पी तो दाना अंदर डालने के लिए, लेकिन मैंने लगाई हुई है मालिक की बोतल, ठीक है। इसकी भी थ्रो बहुत ज़्यादा है, जब इसमें वो छिलके वगैरह उड़ते हैं तो यहाँ यहाँ तक आ जाते हैं, ठीक है। और ब्रो ये इसका मेन जो काम है ये फ़ैन है, ठीक है। और ये ऊपर इसकी चिट लगी हुई है, ये डिमर है फैन कम या ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। और इसमें जब यहाँ से दाना डाला जाता है, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर दाना डाला हुआ है मैंने, ये जो साफ़ होकर दाना आता है वो यहाँ पर गिर जाता है। ये देखिए, ये बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह दाना साफ़ हुआ है, ठीक है। और मैं दो तीन दफ़ा इसको साफ़ कर लेता हूँ, जो कमी रह जाती है वो भी दूर हो जाती है। बास दोस्त कहते हैं कि इसमें से जो सूरजमुखी के बीज छिलके वगैरह हैं वो साफ़ नहीं होते, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ साफ़ हो जाता है। ये देखें, ये कचरा है सारा, ये उड़ रहा है आपके सामने, इतनी थ्रो है देखिए फ़ैन की। और अब आपको तरीका डाल के दिखाऊंगा कि किस तरह साफ़ करता है। ये देखें, ये इसमें मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, ये इसको मैं अच्छी तरह भर दिया, नीचे साथ साथ जाता जाता है, ठीक है। और ये देखिए, ये देखें, ये जो है जब ऊपर से दाना गिरता है ना, ये जब ऊपर से दाना गिरता है तो जो छिलके वगैरह हैं वो उठ के चले जाते हैं दूसरी साइड पर। ये देखिए, फ्लैश लाइट बंद करके दिखाता हूँ, ये देखिए ज़रा जो ऊपर से आ रहा है ये देखिए, यहाँ से ये देखिए नज़र आ रहा है। और ये देखिए, ये साफ़ गिर रहा है और ये सारे छिलके गिर रहे हैं। और इस तरह दाना बहुत जल्दी और अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। तो अवाम बहुत से तरीके इस्तेमाल करती है, जो मैं तरीका इस्तेमाल करता था वो आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम जो है वीडियो वो सुबह के टाइम बनाऊँगा, तो जब मैं दाना साफ़ करूँगा ना, तो इस टाइम तो मैं नाइट में कर रहा था, तो मैंने कहा दोस्तों भाइयों के साथ ट्रिक शेयर कर दी जाए। ये देखें ना, जो साफ दाना होता है वही इस साइड पे गिर जाता है, ठीक है। और जो छिलके वगैरह होते हैं वो उड़ के दूसरी साइड पे चले जाते हैं। और ये देखें, ये बहुत अच्छा आसान तरीका है, ये पहली दफ़ा में ही बहुत अच्छा दाना साफ़ हो जाता है। लेकिन ये देखें कितनी थ्रो है इसकी, इतनी ज़्यादा थ्रो है, इसलिए मैंने इतनी बड़ी बोतल लगाई है, ठीक है। और ये देखें आपके सामने है, ये सारा दाना इसी मशीन ने साफ़ किया है और मेरे पास कोई और फार्मूला नहीं है, और मैं किसी तरह भी दाना साफ़ नहीं करता, मैं इसी मशीन से ही साफ़ करता हूँ। और ये जो मशीन है इसकी कॉस्ट है 3,350-4,000, अगर सेकंड हैंड लेने जाएं तो आपको 1,000-1,200 की इजीली मिल जाती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो हमारे न्यू भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल लाहौर बर्ड लवर हेल्प सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी तमाम लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिले सबसे पहले। ओके, अल्लाह हाफिज़।